गुड मॉर्निंग राधे राधे। और अभी हमारी सुबह की साफ़ सफाई चल रही है और मैंने बेड शीट वगैरह तकिया के कवर जो भी थे सारा कुछ चेंज कर दिया है आज मैंने। और मैं जब सोमवार व्रत रहती हूँ तब भी मैं चेंज कर देती हूँ, तो ये लोग खाना वाना चेंज कर दिए हैं। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। और इन्होंने बेड के नीचे पता नहीं क्या क्या खिलौने वगैरह सारे डाल देते हैं, तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। और जन्माष्टमी कैसी मैंने सब लोगों को क्या बताना। और यहाँ पे कुछ किचन का सामान आया था, किचन का महीने भर का सामान मान लो, तो वो था तो मैंने उठा के रख दिया। मैंने कहा बाद में रखूँगी। और उसके बाद में मैं सारे घर में झाड़ू पोछा यही सब, ये पता नहीं क्या लिख रहे थे अपना कुछ हिसाब वगैरह पता नहीं क्या कर रहे थे। और इसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों को भी नहला देते हैं, उसी के बाद मैं नहाऊंगी। और ये देखिए कैसे चढ़ रही हूँ ऊपर खड़ी हैं और ये बेल्ट उतार रही हैं अपनी दोनों, इन्हें सर्दी लग रही है। ये देखिए ये ऐसे तौलिया ओढ़ ली इन्होंने, इन्हें पंखे में बहुत सर्दी लग रही है। और उसके नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा गंगा जल से, अपने सारे भगवान जी को आज नहलाऊँगी और जो भी फ़ोटो वगैरह है वो भी पहुंचूंगी। और अब नहीं कर रही थी, अभी दीदी कुछ बता रही थी जा रही तो वो भी कर रही थी, दीदी नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को और उसके बाद में मैं कन्हैया जी को कपड़े चेंज कर रही हूँ। और आज नए कपड़े पहनाए गए हैं भैया उनको, और अपनी से भी पूजा कराई थी मैंने। और उसके बाद में मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ, और सबसे पहले पूजा उसके बाद में फिर मैंने चाय वगैरह नहीं पी, मैंने चलो काम ही कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने ये मेवा लेके आए थे रखी थी तो बहुत सारी मैंने निकाल के रखी, मैंने कहा चलो सारा काम एक साथ में ही करते चलें तो ठीक रहेगा। और उसके बाद में मैं गरी कस रही हूँ, गरी कसते कसते पता इतने हाथ दर्द करने लगे, 4-5 खोले कसे थे। और मैं कस के ही डालती हूँ, काट के नहीं डालती हूँ। और उसके बाद में ये मखाने वो भी मैंने काट लिए, आप लोग कैसे बनाते हो वो भी बताइएगा आप लोग तो। और उसके बाद में ना मैं छुहारे ये ऐसे फोड़ फोड़ के तब काटूंगी कि नहीं तो हाथ में दर्द हो जाएगा, और कटते भी नहीं हैं। और ऐसे फोड़ने से आसानी से स्लिप पहुँच ली और उससे मैंने किया। और यहाँ पे ये खीरा हमारे यहाँ खीरा की पूजा होती है आज के दिन और शाम को ये खीरे के ये देखिए इस तरीके से, फिर इसको पूजा के बाद उसको नार ये आ गए थे, तो इनके लिए मैंने पूड़ियाँ सेक दी गरम गरम, मैंने सेक के नहीं रखी थी, मैं और काम कर रही थी। और ये देखिए आज बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है आज का, बहुत अच्छा मौसम है बाहर देखो, मतलब तेज़ बारिश नहीं हुई थी, हल्की हल्की बारिश, मतलब सारे दिन बारिश होती रही, सारे दिन बारिश होती रही। और शाम को मैं चाय बना रही हूँ, मैंने कहा काम वाम कर लूँ, झाड़ू वगैरह बर्तन जो भी है छोटा मोटा काम, फिर नहाया मैंने, नहाने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ, हो जाता है थोड़े बर्तन बड़े थे वो झाड़ू वगैरह लगाए तो ये सारा कुछ हुआ था काम। और उसके नहाने के बाद आरती करने के बाद यहाँ पे ये सारी मेवा है जो भी वो मैं सारी फ्राई करूँगी देसी घी में, क्योंकि मैं खोया जो मावा बोलते वो नहीं बना पाया तो मैंने मंगाया भी नहीं, मतलब नहीं आ पाया होता है। उसके बाद मैं चीनी डाल रही हूँ, आपके यहाँ मेवा कैसे बनती है बताना ज़रूर। और हमारे वो चीनी का जो बनाते हैं वो सारा तैयार हो गया, मैंने सारी मेवा डाल दी। और ये मतलब मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो मेवा सारी एकदम से भर गई थी कढ़ाई, तो मुझे चलाने में काफ़ी दिक्कत हुई, और मुझे बड़ी कढ़ाई रखनी चाहिए थी लेकिन हो गया, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा। और मेवा हमारी हो चुकी है रेडी, और मैंने जहाँ चीनी नहीं डाली पीस वाली नहीं की है क्योंकि उसमें चीनी बहुत डालते हैं, तो खोया नहीं था तो मेरी चीनी चीनी हो जाती, तो इस तरह मैंने बनाई है। और आप लोगों के यहाँ कैसे बनती है वो आप लोग बताना। और मेवा हमारी हो चुकी है तैयार, और यहाँ पे मैं आज बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी, ज़्यादा कुछ नहीं खाता नहीं है, खाना ज़्यादा खपता नहीं है,
और ये अबनी को मैं मावर लगा रही हूँ। गौर को पहले लगा दी थी मैंने, मावर पहले लगा दिया था गौर को, उसके बाद मैं मतलब अबनी को, फिर मैंने खुद लगाया। और ये हमारी इलवारी मतलब जो भगवान जी की है, इस तरह खीरा रखा हुआ। और ये गणेश लक्ष्मी जो हमने दीपावली मंगाते हैं हर साल, वो साल भर रखते हैं, फिर गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने जो यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा, जो 12 बज चुके थे, और इसमें मैंने कन्हैया जी को जो चरणामृत का प्रसाद बनाते हैं उसमें मतलब नहला दिया है। और फिर ये कर रहे हैं पूजा, तो ये इनके बाद फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको चावल दे रही थी, अच्छा भूल गई थी रखना। और वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी पहले से, और उसके बाद में मैं खुद मतलब मैं पूजा कर रही हूँ बच्चे वगैरह। उसके बाद में फिर मैंने आरती की, और पास में एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सजावट की थी सब लोगों ने। और ये देखिए खीरा होता है, उसका नार तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद तो फिर मतलब हमारे यहाँ खीरे की पूजा होती है एक तरीके से, और फिर आरती करते हैं उसकी। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रसाद आप सभी लोगों के लिए, आप लोग भी आ जाइएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, और अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं, हमारा खाना भी हो रहा है, मतलब हमारा का सभी लोगों का हो रहा होगा खाना। तो इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पे मैं खाना, और खाने में भाई गोभी की सब्जी, पूड़ी और आलू वाली कचौड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना खा पाते हैं सभी लोग। तो गुड नाइट, राधे राधे।